जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। 22 अगस्त को सागर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे के दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व अलर्ट हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा, छतरपुर जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे अरुण यादव। वहीं विधानसभा स्तर पर चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं अरुण यादव। वहीं चंदला, बिजावर और बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं अरुण यादव। इसके अलावा चंदला, बिजावर और बड़ा मलहरा विधानसभा का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई और 22 अगस्त को सागर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे के दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व हुआ अलर्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा बताया जा रहा है। छतरपुर जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर अरुण यादव है। तो विधानसभा स्तर पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं अरुण यादव। वहीं चंदला, बिजावर और बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। इसके पहले भी यादव का सागर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होने जा रहा है। 22 अगस्त को सागर पहुंचेंगे। तो खड़गे के दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का भी 3 दिवसीय बुंदेलखंड का दौरा, यानी बुंदेलखंड को साधने की कवायद यहां पर शुरू की जा रही। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से बात करें, बुंदेलखंड को साधने की कोशिश अब एक तरह से कांग्रेस करने जा रही, इसके पहले प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां से दोनों ही पार्टियों को उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीत कर आएंगे, ज्यादा जिससे ज्यादा सीटें मिलेंगे। यही कारण है कि बुंदेलखंड पर दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस है। वहीं अब जो बुंदेलखंड की जिम्मेदारी पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को कांग्रेस ने दी थी, उनके दौरे लगातार जारी हैं और कई क्षेत्रों में वो इससे पहले भी दौरे कर चुके हैं। अब वो है छतरपुर जिले का दौरा कर रहे हैं, जहां पर चंदला, बिजावर और बड़ा मलहरा विधानसभा सीटें हैं, उन पर दौरा करेंगे, अपने पदाधिकारियों से और जो कार्यकर्ता हैं उनसे बैठकें करेंगे, संगठनात्मक जो व्यूह रचना की गई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। वहीं जो 22 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा है उसको लेकर भी रणनीति तैयार करेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री सागर पहुंचे थे और संत रविदास जी की जो स्मारक बनाना है उसको लेकर उन्होंने भूमि पूजन किया था, उसके बाद से कांग्रेस भी सक्रिय है और अब बुंदेलखंड क्षेत्र को कैसे साधा जाए इसकी रणनीति बना रही है। बुंदेलखंड को कैसे साधना है इसकी रणनीति, क्योंकि 26 विधानसभा सीटें और 2018 की बात की जाए तो 17 बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं 7 कांग्रेस के खाते में गई थी। तो अब यही वजह है कि कांग्रेस पूरी तरह से फोकस्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।